कैसा बढ़ाया जाए करके, डेवलपमेंट के क्या क्या एक्टिविटीज़ लिए जाए, इसके ताल्लुक से मुंबई में एक मीटिंग हुई और उसके बाद हमने ये फैसला लिया कि हम जो शरद पवार साहब है उनसे जाकर मिलेंगे। हम जाके उनसे मिले और उनको ये बताया है कि वक्फ की 93,000 एकड़ ज़मीन महाराष्ट्र के अंदर है, लेकिन 80-90% ज़मीन जो है वो सिर्फ कागज़ के ऊपर है, बाकी सब है तो धरना सेठों ने अपने हथिया लिए है। और इसकी देखरेख के लिए पूरे महाराष्ट्र के अंदर महज 23 लोगों का स्टाफ है। तो हमने पवार साहब से अनुरोध किया कि एक मीटिंग लगाई जाए जिसके अंदर मुख्यमंत्री रहे, रेवेन्यू मिनिस्टर रहे, सोशल वेलफेयर मिनिस्टर रहे, माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट मिनिस्टर रहे। शरद पवार साहब ने उसको एक्सेप्ट किया, उन्होंने लेटर इशू किया और उन्होंने फ़ौरन मीटिंग के लिए डेट फिक्स करने के लिए मुख्यमंत्री साहब से कहा है। उस मीटिंग के अंदर चीफ सेक्रेटरी भी रहेंगे और तमाम सेक्रेटरीज भी रहेंगे। हमने उनसे ये मांग की है कि डायरेक्टर जनरल और पुलिस को भी उसमें बुलाया जाए, क्योंकि अब वक्फ बोर्ड के जो मामले हैं वो पुलिस के अंदर ज़्यादा जा रहे हैं, तो पुलिस ने उसको संजीदगी से लेना चाहिए। तो ये मीटिंग बहुत जल्द मुंबई के अंदर होने वाली है। पवार साहब ने ये कहा है कि जितने मुद्दे हैं उसको आप लिखित रूप के अंदर हमारे पास दें। उसके बाद हम महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटील साहब के पास गए और वहाँ पर उनको ये बताया है कि पिछले 5-6 महीने के अंदर तकरीबन 6 FIR रजिस्टर हुए हैं। ये 6 FIR के अंदर है तो करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है। और उसमें सबसे कॉमन बात यह है कि हर केस के अंदर बोगस NOC पाई गई है। NOC है तो डेप्यूटी वक्फ ऑफिसर की है, सिग्नेचर उसके ऊपर, वो बोलता है मैंने नहीं किया हूँ करके। तो ये लेटर हेड बना कहाँ से, ये स्टैम्प बना कहाँ से, ये सिग्नेचर करी किसने है करके। तो हमने वळसे पाटील साहब को ये कहा कि साहब ये केसेस को हम क्लब करते हैं और इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो CID के हवाले कर दीजिएगा, ताकि डिटेल्ड इंक्वायरी इसके अंदर हो सके। तो उसमें ये पता चलेगा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के भी अधिकारी और कर्मचारी इसके अंदर शामिल है, वक्फ बोर्ड के भी कर्मचारी इसके अंदर शामिल है, वक्फ बोर्ड के पुराने मेंबर्स भी हो सकता है इसके अंदर शामिल हो। तो अगर डिटेल इंक्वायरी अगर निकलती है तो यकीनन इसकी बहुत अच्छी होगी। दिलीप वळसे पाटील साहब ने फौरन एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस क्राइम राजेंद्र सिंह साहब को फ़ोन किया और उन्होंने ये कहा कि एक लेटर तमाम पुलिस स्टेशंस और पुलिस डिपार्टमेंट के तमाम अधिकारियों को ये फॉरवर्ड किया जाए कि वक्फ के ताल्लुक से जो भी कंप्लेन आती है उसको FIR के तौर के ऊपर रजिस्टर किया जाए और उसकी डिटेल इंक्वायरी करें।